प्रिय बच्चों, प्रश्न नंबर 14 दिया है चित्र के शब्द डैड डैश। चित्र के शब्द आ डैड डैश रक को पूरा करने वाला सही वर्ण को चुनिए। अब यहाँ पे जो है चित्र के शब्द आ डैड डैश रक को पूरा करने का सही वर्ण को चुनिए। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए माँ, बी द, सी रू, डी न। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? यहाँ पे खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन आएगा? द अदरक। क्या हो जाएगा? अदरक। यहाँ पे आप क्या करेंगे? गोल घेरा बनाएंगे। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 14 दिया है 15। चित्र के शब्द आज डैड डैश रा को पूरा करने का सही वर्ण चुनिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी अजगर। क्या हो जाएगा? अजगर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 16 दिया है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 16 में दिया है चित्र के शब्द बी डैड डैश ली को पूरा करने वाला सही वर्ण चित्र को चुनिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी आधा ला। तो क्या हो जाएगा? बिल्ली। डी, डी ऑप्शन पे गोल घेरा बनाएंगे। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में दिया गया है नल। यहाँ पे चित्र दिया है नल। दिए गए चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। अब यहाँ पे ऑप्शन है ए जग, बी टब, सी नल, डी हल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। यहाँ पे चित्र बना हुआ है, पहले आप समझेंगे पहचानेंगे बच्चों, नल का चिन्ह बना हुआ है, इसका ऑप्शन कौन सही होगा? सी। प्रश्न नंबर 18, दिए गए चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। अब यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है, सबसे पहले चित्र को आप पहचानेंगे। ओके बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है? ए आम। कौन सा चित्र है ये? आम का चित्र है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ए। प्रश्न नंबर 19, दिए गए चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए किताब, बी गिलास, सी लिफाफा, डी तिनका। कौन सा ऑप्शन सही है? बी गिलास। गिलास पे आप गोल घेरा बनाएंगे बी पर। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 20, दिए गए चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे चित्र दिखाया जा रहा है आपको, ए नंबर दीपक, बी दीवार, सी तीर, डी कील। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी तीर। कौन सा है? सी तीर का निशान है, तीर का चिन्ह है। ओके बच्चों, नमस्कार। ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2023-24 प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन एवं अंग्रेजी विषय पर आधारित जो है यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं छात्रों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, दिए गए चित्र के सही शब्द चुनिए। यहाँ पे एक चित्र दिखाया जा रहा है। ओके बच्चों, यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए नंबर चूहिया, बी नंबर पुलाव, सी कुटिया, डी गुलाब। तो किसका चित्र है यहाँ पे? डी गुलाब। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। डी पे आप गोल घेरा बनाएंगे। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 22 दिया है, भालू शब्द का समान ध्वनि वाला शब्द कौन सा है? भालू शब्द का समान ध्वनि वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे भालू के समान ध्वनि वाला शब्द कौन सा है? काजू, मूली, कालू, खूब। यहाँ पे भालू का समान शब्द कालू। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। सी पे आप गोल घेरा बनाएंगे। प्रश्न नंबर 23 दिया गया है, माली शब्द की समान ध्वनि वाला शब्द कौन सा है? माली। यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए लीला, बी डाली, सी तितली, डी जाल। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? बी डाली। माली का समान ध्वनि वाला शब्द बी डाली। इस ऑप्शन पे आप बी पर गोल घेरा बनाएंगे। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 24, केला शब्द की समान ध्वनि वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए सेवा, बी देना, सी मेला, डी मेवा। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? सी मेला। केला का समान ध्वनि मेला। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। सी पे आप क्या करेंगे? गोल घेरा बनाएंगे। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 25, मखमल शब्द किन वर्ण समूह से मिलकर बना है? अब यहाँ पे मखमल, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, का धन, रा धन, बा धन, टा। क्या हो जाएगा? करवट। बी दिया है शा धन, मा धन, रा धन, सा, समरस। सी नंबर दिया है शा धन, रा धन, बा धन, ता, सरबत।
और डी ऑप्शन है माधन खाधन माधन ला मखमल। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। डी पे आप गोल घेरा बनाएंगे। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 26, कोमल शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? कोमल शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 है, चार ऑप्शन है, 2, 4, 3, 5। तो कोमल शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, 3। कोमल शब्द में 3 ध्वनियां हैं। ओके बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है? सी। प्रश्न नंबर 27 दिया है, ई की मात्रा वाला शब्दांश चुनिए। ई की मात्रा वाला शब्दांश कौन सा होगा? यहाँ पे चार ऑप्शन है, कु, की, सी, के, डी, की। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा वाला शब्दांश कौन सा होगा? बी। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। बी पे आप गोल घेरा बनाएंगे। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 28 दिया है, प्रश्न नंबर 28 में दिया है कि एसी की मात्रा वाला शब्दांश चुनिए। तो यहाँ पे ए ट्रू, बी मौ, सी मो, डी मरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? डी, मरी। डी पर आप गोल घेरा बनाएंगे। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 29 दिया है, गौरव शब्द में कौन सी मात्रा है? गौरव शब्द में कौन सी मात्रा है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए ई की मात्रा, बी ओ की मात्रा, सी ऊ की मात्रा, डी औ की मात्रा। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? डी, औ की मात्रा। इस पे गोल घेरा बनाएंगे। प्रश्न नंबर 30, कोयल शब्द में कौन सा मात्रा है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए आ की मात्रा, बी ओ की मात्रा, सी ऊ की मात्रा, डी औ की मात्रा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? बी, ओ की मात्रा। बी पर आप गोल घेरा बनाएंगे। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 31, आहा की मात्रा वाला शब्द चुनिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 दिया है, आहा की मात्रा वाला शब्द चुनिए। आहा की मात्रा वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे चार ऑप्शन में? बी, छ, बी। इस ऑप्शन पे आप गोल घेरा बनाएंगे। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 32, आ की मात्रा वाला चित्र चुनिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, ए केला, बी आम, सी अंगूर, सी में अनार दिया है, डी में अंगूर। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? डी, अंगूर। डी पे आप गोल घेरा बनाएंगे। ओके बच्चों, 33 प्रश्न है, की मात्रा वाला चित्र चुनिए। अब यहाँ पे जो है, देखिए कौन सा चित्र है। ऑप्शन ए शेर, बी भालू, सी गाय, डी हाथी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ए। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 34, आय की मात्रा वाला चित्र चुनिए। अब यहाँ पे आय की मात्रा वाला शब्द, आय की मात्रा वाला चित्र चुनिए। आय की मात्रा वाला चित्र कौन सा है? ए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे रेलगाड़ी, बी खलबट्टा, सी गमला, और डी बैग। क्या दिया है? डी बैग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, आय की मात्रा वाला चित्र बैग। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 35 दिया है, यहाँ पे आ की मात्रा वाला चित्र चुनिए। ए आम, बी मछली, सी पेड़, डी मंकी। तो आ की मात्रा वाला चित्र कौन सा है? ओके बच्चों, ए, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है? ए। प्रश्न नंबर 36, ए की मात्रा वाला चित्र चुनिए। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 दिया है, ए की मात्रा वाला चित्र चुनिए। अब यहाँ पे ए ऑप्शन पे मूली, बी पर पेड़, सी पे त्रिशूल, डी पे क्या दिया है? डफली, ए की मात्रा। यहाँ पे ए की मात्रा वाला चित्र।
कौन सा ऑप्शन सही है? बी। कौन सा ऑप्शन सही है? ए सी। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 37 दिया है, ई की मात्रा वाला चित्र चुनिए। यहाँ पे ई की मात्रा वाला चित्र चुनिए। ए ऑप्शन में दिया है पेंसिल, बी में ग्लास, सी में माचिस और डी में क्या दिया गया है? ई की मात्रा वाला चित्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। डी पे आप गोल घेरा बनाएंगे। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 38, ओ की मात्रा वाला चित्र चुनिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 38 दिया है, ओ की मात्रा वाला चित्र चुनिए। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ओ की मात्रा वाला चित्र, बी। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। बी पे आप गोल घेरा बनाएंगे। प्रश्न नंबर 39, चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। अब यहाँ पे जो है 39 में दिया गया है, चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, क्रीम, दर्पण, ग्रह, ड्रीम। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी दर्पण। कौन सा ऑप्शन सही है? बी दर्पण। ओके बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, ए ऑप्शन है कुर्सी, बी खटखोल, सी वृत्त, डी चक्र। कौन सा ऑप्शन सही है? डी चक्र। डी पे आप गोल घेरा बनाएंगे। प्रश्न नंबर 41 दिया गया है, प्रश्न नंबर 41 में क्या दिया गया है? चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे चित्र दिखाया जा रहा है, ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी आग, सी सूर्य, डी चंद्रमा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी सूर्य। सी पे आप गोल घेरा बनाएंगे। ओके बच्चों, अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, प्रश्न नंबर 42, चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, ट्रक, ड्रम, मार्ग, कांच। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ड्रम। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ड्रम। बी पे आप गोल घेरा बनाएंगे। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 43, चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। अब यहाँ पे चित्र में आपको क्या दिखाया जा रहा है? ए नंबर सांप, बी दंत, सी पर्वत, डी कंधा। कौन सा ऑप्शन सही है? ए सांप। प्रश्न नंबर 44, चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। अब यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, सही शब्द चार ऑप्शन है, ए गड्ढा, बी नदी, सी तालाब, डी कुआं। तो चित्र में क्या दिखाया जा रहा है? कुआं। कौन सा ऑप्शन सही है? डी कुआं। प्रश्न नंबर 45 दिया है, अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाइए। अलग, जैसे भ्रम, कम, बर्फ, सर्द। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ए भ्रम। कौन सा ऑप्शन सही है? ए भ्रम। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 46 दिया है, अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाइए। यहाँ पे अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाइए। यहाँ पे अलग, ए ऑप्शन नम्र, बी प्रदेश, सी कर्क, डी ग्रह। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे सी कर्क। इस ऑप्शन पे आप गोल घेरा बनाएंगे सी पर। प्रश्न नंबर 47 दिया है, अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाइए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंचल, हंस, कंस, आंख। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, कंस। ओके बच्चों, तो आज यहीं पे हम अभ्यास प्रश्न को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।